नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी ईबीएफओ एसएससी और स्टेनो का? अगर देखा जाए तो एग्जाम डेट 1 अगस्त और 18 से 23 अगस्त के बीच में है। मतलब अगर आज से देखा जाए तो आपके पास 30 दिन लगभग बच रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम 30 दिन। कहने का मतलब ये कि आपको एक महीने की तैयारी में अब कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। जैसे पूर्व में इसकी परीक्षा हुई थी तो यहाँ पे आईबीपीएस करवाया था, उसका पैटर्न बैंक पे था, बट इस बार आपको सभी को पता होना चाहिए कि एनटीए करवा रहा है और एनटीए बैंक के पैटर्न पे नहीं करवाता है। एनटीए जो होता है वो एसएससी के भी पैटर्न पे नहीं करवाता है, इसलिए कृपया आप इसे बैंक और एसएससी के पैटर्न से कंपेयर मत करो। एनटीए का अपना पैटर्न होता है, अपना पोर्शन बैंक होता है और अपने अकॉर्डिंग चीजें करवाता है। रही बात डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट लेवल होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। और इसके बाद अब हम लोग को 30 दिन में करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, कौन से हमें प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कहां से हमें टेस्ट सीरीज देना है, इन सारी चीजों के हम लोग इस सेशन में जिक्र करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो समझ में आए पसंद आए तो आप उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस बार अगर देखा जाए तो 26 से 74 लगभग एसएससी में वैकेंसी है, ठीक है ना, जो ईपीएफओ एसएससी की बात कर रहे हैं, और स्टेनो में भी लगभग 185 पद है। स्टेनो का जो एग्जाम होगा वो 1 अगस्त में हो जाएगा और आपका एसएससी का जो होगा वो 18 से 23 में हो जाएगा। काफी संख्या में फॉर्म आपके इस बार एसएससी में आए हैं। जैसे पिछली बार जब आईबीपीएस कराया था, 3 स्टेज में पेपर था, तो फॉर्म केवल लगभग 1 लाख आए थे। इस बार फॉर्म की संख्या 8-9 गुना ज्यादा है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। और इस बार हाईएस्ट वैकेंसी का जो रीजन है वो महाराष्ट्र में, इससे पूर्व की वीडियो में भी ये सारी बातें बता दिया हूं। अब जो हमें जिक्र करना है इस वीडियो में, हमें जो समझना है वो ये कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर आने वाला है उसका लेवल क्या है और हमें इसको कहां से पढ़ना है कि हमें लास्ट के 30 डेज में सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2.5 घंटे का पेपर है। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं इसका टाइम शेड्यूल क्या है, तो अब आपका समय आ गया है कि इसका टाइम शेड्यूल जान जाओ। और ये समय है आपको मैक्सिमम टेस्ट देने का, जितना ज्यादा अब आप टेस्ट दे लोगे उतना ही ज्यादा आप सिलेक्शन के नजदीक आ जाओगे। दूसरी बात ये भी, इसमें टेस्ट देने की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। क्या है? सेक्शनल कट ऑफ है, इस बात को ध्यान देते हुए चलना। और जब सेक्शनल कट ऑफ होता है तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। हालांकि एनटीए ने यह डिस्क्लोज नहीं किया है कि सेक्शनल कट ऑफ कितना रखेगा वो, बट जो पिछली बार था वो जनरल और ओबीसी के लिए 40% था, अन्य कैटेगरीज के लिए 35% था और हो सकता है इसके आसपास ही रहे। इन केस अगर ये नहीं होता है तो एक मोटा मोटा तो आप लेके चलो कि 33% अगर डिस्क्लोज नहीं किया है तो 33% तो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये आप बात गलत बोल रहे हो या ये कहीं लिखा नहीं है, तो उसको भी मैं एज अ प्रूफ आपको दिखा दे रहा हूं कि कहां पे ये आपका लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में। मैं पिछले वीडियो बनाया था बट बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हो रहे और कुछ यूट्यूबर्स जो है उन्हें थोड़ा सा भड़का भी रहे, भटका भी रहे हैं। वो थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए सोच के रखना चाहिए कि भाई जो आपका क्लियर है यहाँ पे वो नोटिफिकेशन तो अच्छे से देख लो जहां पे क्लियर चीजें लिखी हुई हैं। अगर अब ये जो नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन में फेज वन एग्जामिनेशन 2 फेज में होना था। एक आपका क्या हो जाएगा, आपका सीबीटी बेस्ड, जहां पे कंप्यूटर बेस्ड आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें से आपके 5 सेक्शन होंगे और इसमें 150 क्वेश्चन 600 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 1 नंबर का निगेटिव रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर और निगेटिव आपका 1 रहेगा और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंप्यूटर टाइपिंग है, टाइपिंग आप 30-35 है। कंप्यूटर टाइपिंग में भी बच्चे अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर साथ में होगा या बाद में होगा, इसमें कंप्यूटर बाद में होगा, साथ में ही होगा, इस बात को ध्यान देना। उसके बाद इसने क्या लिखा, नोट में साफ साफ लिखा है, कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर। टोटल स्कोर पे भी आपका क्या लगेगा, कट ऑफ लगेगा और इंडिविजुअल टेस्ट पे भी लगेगा। अब इंडिविजुअल टेस्ट मतलब ये नहीं कि आपका कंप्यूटर और उस पे, कंप्यूटर के टेस्ट पे कोई कट ऑफ नहीं है, वो आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। वो क्या है, क्वालिफाइंग है। यहां पे इंडिविजुअल टेस्ट करने का मतलब है नेम ऑफ द टेस्ट, अगर देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये यहां ये पार्ट है, इन टेस्ट की बात कर रहा है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंग्लिश विद कंप्यूटर लिटरेसी, तो यहां पे आपके सेक्शनल कट ऑफ लगाएंगे। और पिछली बार भी केवल सेक्शनल कट ऑफ की वजह से क्या हो गए थे, बच्चे बाहर हो गए थे। लाइक मैं अगर थोड़ा सा अगर आपको आंकड़ा दिखाऊं तो पिछली बार कितना भयानक आंकड़ा था, 1 लाख लगभग फॉर्म आए थे 3 स्टेज में क्योंकि पेपर था, 1 लाख
95,000 बच्चों इसमें क्या हुए थे, लगभग पेपर देने गए थे, 1.2 लाख फॉर्म आए थे, 95,500 बच्चे गए थे पेपर देने, उनमें से केवल 22,000 बच्चे क्या कर पाए थे, फेज टू के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। हालांकि पिछली बार भी वैकेंसी का 5 गुना था, बट 22,000 अगर वहां पे देखो तो 5 गुना वैकेंसी का अगर आप क्या करोगे, 5 गुना भी लोगे 1:5 के रेशियो में, तो 2,000 पद थे पिछली बार, इसमें 5 गुना 10,000 होने चाहिए। बट जो फेज थ्री मतलब जो टाइपिंग के लिए था उसमें से केवल 2500 बच्चे हो पाए थे। इसका मतलब कि वो सेक्शनल कट ऑफ क्या कह रहे थे, क्लियर ही नहीं कर पाए थे, और यही केस इस बार भी हो सकता है। तो अब इस बार हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सावधान रहना है कि ये गलती हमसे ना हो, थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे तो आपको आराम से ये पेपर कर भी लोगे। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 5 सेक्शन है और 5ों सेक्शन में आपका सेक्शनल कट ऑफ है। मैं अगर 40% लेके चलूं तो कंप्यूटर में 4 और सबसे ज्यादा इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन करना है, बाकी सब में 12 क्वेश्चन करना है मिनिमम। अगर 33% होता है तो 10 क्वेश्चन मान के चलो, 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को करना है, 30 नंबर आपको लेके आना है। बट सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ पे होना चाहिए। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ पे होना चाहिए। जैसे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर अगर कंप्यूटर में आप क्या पढ़ लोगे, केवल ऑफिस, कंप्यूटर में केवल ऑफिस अच्छे से पढ़ लोगे तो आप केवल ऑफिस की बदौलत सेक्शनल कट ऑफ निकाल सकते हो। अगर आप जनरल इंग्लिश में कर लोगे तो जनरल इंग्लिश में आप केवल 3-4 जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, जैसे आपका idioms हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, synonyms, antonyms हो गया, अगर इस पार्ट को केवल कवर कर लेते हो तो आपका इंग्लिश में, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन में साफ साफ उसने बोला है कि 30 तो आपका क्या रहेगा, 30 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव पूरा रहेगा बट ये ग्रामर और वोकैब बेस्ड रहेगा, और जो 20 क्वेश्चन है ये आपका कंप्रेहेंशन रहेगा, क्या रहेगा, कंप्रेहेंशन रहेगा, मतलब पैसेज रहेगा और 20 क्वेश्चन का पैसेज रहेगा। तो आप तो कुछ ना करो, केवल पैसेज को पढ़ के ढंग से दे लोगे तो पैसेज की बदौलत ही आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ निकल सकता है, क्योंकि 50 में 20 लाना है, 20 में से अगर आप पैसेज में करोगे तो फिर 15+ तो मैक्सिमम मिनिमम 15+ आप कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन इधर से भी कर लोगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ यहां से क्लियर हो जाएगा। रही बात आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी में कैसे करना है, जनरल अवेयरनेस में कैसे करना है और एप्टीट्यूड में कैसे करना है, मतलब कि मैथ्स में, रीजनिंग में और आपको जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं इतना बोलूंगा कि यही सबसे अनडिफाइंड टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा करंट पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, और कुछ ऐसे जो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं जैसे पारंपरिक विषय क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इन विषयों से आपको क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है। अब इसमें से आप क्या करो, आप पॉलिटी के, पॉलिटी में क्या कर लो, केवल आप आर्टिकल्स, केवल आप अनुच्छेद कर लो, पार्ट्स, अनुसूची जो होते हैं, भाग जो होते हैं, और आप क्या कर लो, आप केवल यहाँ पे अनुच्छेद याद कर लोगे तो आपका ये, और हिस्ट्री में केवल मॉडर्न, हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेन घटनाक्रम है, जैसे 1857 की क्रांति हो गई, 1915 हो गया, 1885 हो गया, इन सब के इर्द गिर्द जो चीजें हुई, काकोरी हत्याकांड हो गया, ये सारी चीजें जो काकोरी ट्रेन जो कांड था, ये सारी चीजें अगर मेन घटनाक्रम अगर आप पढ़ लोगे तो मॉडर्न का आपका याद हो जाएगा, क्योंकि कोई बेसिस लड़ाइयां नहीं रही है, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप 1600 के आसपास। तो पॉलिटी में केवल आप आर्टिकल पढ़ लोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लोगे, इसके बाद ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी, केवल क्या, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या, आपका इंडिया का पॉलिटिकल स्टेट एंड बाउंड्री और उसका विस्तार और थोड़ा बहुत रिवर, इतनी टॉपिक केवल आप कर लोगे तो आपका जीएस में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। मैथ्स में आपको केवल 2 टॉपिक, 1% आप कर लो, 1% कर लो, 1 रेशियो कर लो, और 1 नंबर सिस्टम, अगर 3 चैप्टर आप कर लोगे तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आराम से निकाल लोगे। और अगर आप रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में अगर मुझे ये बताना पड़े कि आपको सेक्शनल कट ऑफ कैसे निकालना है, फिर तो आपकी तैयारी बहुत ही बेकार चल रही है। तो हमें इस बात को समझते हुए चलना है, इस बात को समझते हुए चलना है कि जो हमारा सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ, केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेने से आपका एग्जाम नहीं निकल जाएगा, आपको इसके साथ साथ अतिरिक्त भी पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा इसको पहले हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले जीएस और जीए की बात करूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस किताबों से पढ़े, तो अंतिम 30 दिन में देखो, अभी तक आपने जितना पढ़ लिया मोर देन सफिशियंट है, आपके सिलेबस में भी जितनी चीज जो आप बच्चे कोर्स से जुड़े थे पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया गया है। हम उन बच्चों के लिए जो कोर्स से जुड़े थे उनके लिए क्या करेंगे वो भी मैं आगे बताने वाला हूं, बस आप ध्यान से सुनते रहो। जीएस में एक तो आपका करंट का पार्ट है, दूसरा आपका स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक जीएस की बात है, स्टैटिक जीएस बोलते हैं जिसे जनरल अवेयरनेस, और तीसरा कन्वेंशनल जीएस, जैसे कि आपका क्या हो गया कन्वेंशनल जीएस में, पारंपरिक जीएस में मैं क्या बोलूंगा, आपका हिस्ट्री हो गया,
हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया और आपका पॉलिटी हो गया, इवन मैं आपको इसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड नहीं करूंगा, और थोड़ा बहुत साइंस हो गया, बट साइंस में केवल आपको बायो पे फोकस करना है। तो जीएस और जीए आपको क्या करना है, करंट आपको यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर करंट कितना पढ़ने, तो ये आपका ऑनलाइन पेपर है, अगस्त में आपका पेपर होना है, अगस्त में पेपर होना है इसका मतलब कि आपका जुलाई में पेपर बनके तैयार हो जाएगा, तो आपको जुलाई से पहले मतलब कि जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, ये आपको चार मंथ मिनिमम कहे किस कहां से मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई और जून, इस चार मंथ का करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कर पाओ तो फरवरी फरवरी और आप जनवरी का भी कर लो, ये सिक्स मंथ हो जाए तो बहुत बेटर है, बट अगर सिक्स मंथ भी नहीं अच्छे से कर पाते हो तो मार्च से जून की एक एक खबर रटे रहो। अगर इतना कर लेते हो तो आपके 30 क्वेश्चन में से कम 8 प्लस क्वेश्चन आपके केवल करंट अफेयर्स के रहेंगे। और ऐसे ही स्टैटिक जीएस में अब आपको क्या करना है, स्टैटिक जीएस में जैसे आप क्या होते हैं कि फेमस जो बुक्स होती हैं इनको आप पढ़ लो, जो उनके ऑथर्स होते हैं उनको आप पढ़ लो, फेमस जो पर्सन होते हैं उनको पढ़ लो, ये सारी जो टॉपिक होती है, हालांकि ये बहुत वास्ट है, इसके लिए एक जो रामबाण पीडीएफ जनरल अवेयरनेस की हम लोग देते हैं वो आपकी परीक्षा प्लस ऐप पे ही आपके कोर्स में अपलोड कर दी गई है, जो बच्चे कोर्स से जुड़े हैं केवल उनके लिए, ये इस बार अलग से नहीं दी जा रही है, तो जो बच्चे कोर्स से जुड़े हैं उनके लिए केवल रामबाण पीडीएफ दी जाएगी, आप उन्हें केवल पढ़ लोगे अच्छे से, तो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आपका जीए वाला पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको वहां से कवर करना है। और अब कन्वेंशनल पार्ट होता है जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पूछा कहां से जाएगा, तो लास्ट समय में हिस्ट्री में केवल आपको मॉडर्न पढ़ना है। अगर इसके अतिरिक्त आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में आप क्या पढ़ो, केवल एंशियंट और मिडिवल की लड़ाइयां पढ़ो, मेजर जो बैटल्स हुए हैं, या फिर अगर आप एंशियंट में चले जाओ तो कौन सी डायनेस्टी किसने क्या किया है फाउंड किया है, बस आपको यह पढ़ना है। ज्योग्राफी में स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी में भी उसकी पॉलिटिकल, उसकी पॉलिटिकल मतलब कि कितने स्टेट जो है वो क्या है कोस्टल से बिलोंग कर रहे हैं, कितने स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं, कितने ऐसे स्टेट हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, कितने जो आपके टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो कितने स्टेट से गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, जो भारत की 82.5 डिग्री की रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में वो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, ये सारी चीजें आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। इसके बाद अगर थोड़ा पढ़ पाओ तो रिवर्स और मेजर आप क्या पढ़ लो, पासेस पढ़ लो, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में केवल और केवल आर्टिकल, और आर्टिकल कहां से कहां तक, 100 तक तो रटे होने चाहिए, जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इस तक तो रटे होने चाहिए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपका ये है। फिर आपका आता है साइंस, तो लास्ट के आपको 30 दिन में केवल और केवल क्या पढ़ना है, बायो पढ़ना है, ये आपका जीएस। और अगर केवल इतना कर लेते हो तो ये गारंटी है कि 30 में आप 20 प्लस स्कोर कर लोगे, सेक्शन कट ऑफ छोड़ो। और मैं जनरल अवेयरनेस या जीएस में कम इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहां पे एनटीए के जो पेपर होते हैं या फिर किसके बेस्ड होते हैं, ये ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और थोड़ा सा रैंडम होता है, थोड़ा सा रैंडम टॉपिक होता है, लेकिन रैंडम इनका कॉन्सेप्ट होता है। अगर टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 30 क्वेश्चन अगर आप पार्ट देखो, करंट हो गया, स्टैटिक जीएस हो गया, कन्वेंशन, मतलब इन तीनों पार्ट को बराबर बराबर आपको मिलेंगे, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सब में मिलेंगे, और इन 8 से 9 में फिर से आपको 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के, और 2-3 क्वेश्चन आपके किसमें मिलेंगे, साइंस के। इस कारण से साइंस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ो और एक क्वेश्चन फंसे, साइंस को लास्ट टाइम में नहीं पढ़ना, इस बात को आप समझो, केवल और केवल बायो पढ़ो, काम आपका बन जाएगा, बाकी जितना आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा वो आप कर लो, जितना आपको दिया गया है वो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद ये तो जो किताबें हैं कोर्स में उसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि जीएस के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है उस विषय की बात कर ले, वो हमारा है मैथ्स। मैथ्स में हमें क्या करना है, तो देखो मैथ्स में जो अभी तक आपने पढ़ लिया मोर देन सफिशियंट है, अब आप 30 दिन में सोचो कि मैथ्स में नए तरीके से सीख लूं तो मैथ्स नहीं आएगी, फिर आपको मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में जितना आपने पढ़ा है उसका केवल और केवल प्रैक्टिस। हाँ, जिन बच्चों ने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनको मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा तो फिर बहुत गलत है कि बिल्कुल मैथ्स बिना पढ़े आप सोचो कि सिलेक्शन हो जाए, तब तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन बच्चों के साथ कहना गलत हो जाएगा जो बहुत सारी मेहनत करते हैं। हाँ, ये बात मैं बोल दूं कि जो आप टॉपिक पढ़े उन्हें प्रैक्टिस किस टॉपिक की करनी है, तो आप नंबर सिस्टम की सबसे ज्यादा करो, इसके बाद फिर आप परसेंटेज टॉपिक की करो, और फिर आप रेशियो टॉपिक की करो, ये 3 टॉपिक आप सबसे ज्यादा करो, और इन 3 करने के बाद इसमें आप केवल प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लो, और इसमें आप टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लो, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब आप समय मिले तो टाइम स्पीड डिस्टेंस और एवरेज, ये 2 टॉपिक कर लो, बट नंबर सिस्टम आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर इतना कर लेते हो तो मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन में से आप 20 प्लस कर ले जाओगे। कोई ऐसा बच्चा जो इससे ज्यादा मेहनत कर सकता है तो नो डाउट कि उसके स्कोर ज्यादा से ज्यादा
फेल नहीं होंगे। अब आते हैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो थोड़ा सा क्या है, स्कोरिंग है। स्कोरिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, सबसे सब पहला सब्जेक्ट आएगा रीजनिंग। रीजनिंग में आपको यह मान के चलना है कि 30 में 30 क्वेश्चन करके आना है। इन केस ह्यूमन एरर की वजह से आपकी किस्मत खराब रहे, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, तब तो बात अलग है, बट आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि ऐसी प्रैक्टिस करना है कि 30 में 30 आपको रीजनिंग में स्कोर करना है। यहां पे नंबर कम हुए, सबके नंबर यहीं पे उठते हैं, यहां पे आपके नंबर कम हो जाएंगे तो आप यहां से स्ट्रेटेजी से बाहर हो जाओगे। दूसरा जो आपका स्कोरिंग विषय यहां पे है, दूसरा स्कोरिंग विषय आप बोल सकते हो कंप्यूटर है। बस कंप्यूटर के साथ दिक्कत यह है कि यहाँ पे केवल 10 क्वेश्चन है, बट इस 10 क्वेश्चन के लिए आपको केवल ऑफिस पढ़ना है, आपको केवल ऑफिस पढ़ना है और जो कंप्यूटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, हिस्ट्री जनरेशन, ये जो आपको है ये आप पढ़ लो, थोड़ा बहुत आप इंटरनेट के बारे में पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, बाकी आज के समय में जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं इतना कर लोगे तो इसमें भी आप 10 में से 10 क्वेश्चन ला सकते हो। और आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे 10 में 10 क्वेश्चन इसका करो, तो 30 में 30 आपको यहाँ पे करना है, 10 में 10 आपको यहाँ पे करना है। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचती है वो आपकी क्या बचती है, वो आपकी बचती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपके पास एक तो 20 क्वेश्चन का आपका क्या है, 20 क्वेश्चन का कंप्रेहेंशन है, तो कंप्रेहेंशन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा आपका कंप्रेहेंशन हो जाएगा। नहीं बात 30 क्वेश्चन जो आपका ग्रामर है, इस ग्रामर में भी इस जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश होती है इसमें आपका 15 कोर ग्रामर पूछेगा और लगभग 15 इवन आपका वोकैब्स क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछता है। तो यहां पर मैं लेके चलूंगा कि 18 से 20 क्वेश्चन और ये 10 से 12 क्वेश्चन का ग्रामर का होगा, 18 से 20 क्वेश्चन का किसका होगा, वोकैब का होगा। तो आप यहां पे समझ सकते हो कि लास्ट के 30 दिन में आपको इंग्लिश पढ़ना क्या है, आपको कंप्रेहेंशन करने के लिए प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप कंप्लीट करो, प्रैक्टिस आप किसकी करो, टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ना कि आप अलग से कोई प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे आपका कंप्रेहेंशन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, दो कंप्रेहेंशन एग्जाम में पूछेंगे, 10-10 क्वेश्चन के एक कंप्रेहेंशन होंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वो कैप पढ़ो, वो कैप में आपका क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गए, इसे आप पढ़ो जो बार बार पूछे जाते हैं। अब लोग सर कहां से इसे पढ़े, तो यहां पे मैं आपको हिंट दूंगा कि एसएससी की प्रीवियस ईयर यहां से आप कर सकते हो, एसएससी का अगर पीवाईक्यू अगर यहां पे, वो भी बैंक की नहीं, एसएससी की पीवाईक्यू करोगे तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, वरना जो आपको वोकैब बुक दिया गया उतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया और आपके जो क्या होते हैं स्पेलिंग करेक्शन, वो सब कुछ आपके वोकैब बुकलेट से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर आपको स्कोर करना है इसमें वोकैब पार्ट में। रही बात अगर मैं ग्रामर की बात करूं, तो ग्रामर में आपका आर्टिकल हो गया, पार्ट ऑफ स्पीचेस हो गया, इसमें फिलर और करेक्शन मिला के 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा जो बच्चों से गलत होता है इंग्लिश में, ग्रामर पोर्शन ही गलत होते हैं। तो हम यहां पे लेके चलेंगे कि जितना भी आप करोगे 5+ क्वेश्चन 6+ क्वेश्चन मोर देन 50-60% अगर यहाँ पे आप सिक्योर कर लेते हो तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल इंग्लिश में जो गुड स्कोर आपको टारगेट करना है वो 50 में से कम 40+ स्कोर टारगेट करोगे, तब जाके आपका क्या हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा। इस बात को समझिएगा कि नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज्यादा है और आपका कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, यही अगर फॉर्म्स कम होते तो मैं जरूर आपको बता देता। यानी आपको करना क्या है, मैं क्वेश्चन की बात क्यों, मैं नंबर की बात नहीं क्यों, आपको मैथ्स में क्या टारगेट लेके चलना है, मैथ्स में आपको लगभग 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, रीजनिंग में आपको कितने टारगेट लेके चलना है, 30 में 30 का लेके चलना है। आपको अगर जीएस में बात करूं तो इसमें भी 20+ का टारगेट लेके चलना है, ठीक है, इसमें 20+ का टारगेट लेके चलना है। फिर अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो इसमें भी आपको 10 में 10 का टारगेट लेके चलना है। और फिर यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी आपको 40 का टारगेट लेके चलना है, मतलब 150 क्वेश्चन में 30-20, 50-50, 100 और 120 आउट ऑफ 150 ये आप जब करके आओगे तो ये गुड अटेम्प्ट होगा। हालांकि ये चीजें डिपेंड करती हैं पेपर के लेवल पे, लेकिन एनटीए का अभी तक जैसा इतिहास रहा है कि वो एक इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर देता है, और ये आपका क्या है लगभग 80% आपका क्या है अटेम्प्ट है, इसमें भी कम से कम 10% आपका गलत हो जाएगा, मतलब 120 में भी 12 क्वेश्चन कम से कम आप गलत करके आओगे। ह्यूमन एरर होता है, ये बहुत क्लियर सी बात होती है, सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो आप आके गिरोगे 118-15 क्वेश्चन पे और वहां पे सिलेक्शन के चांसेस भी आपके बनेंगे। तो इस सेफ स्कोर आपको ये लेके चलना है। अब रही बात लास्ट टाइम में, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कितना पढ़ने, कहां से पढ़ने, तो उसके लिए मैं बता दूं कि लास्ट टाइम में पढ़ने समय घड़ी देख के आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको जितना इफिशियंसी आपकी है, जितना आपके पास अच्छा
क्षमता है वो आप सारा लगा दो, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और ये आपके लिए एक ड्रीम जॉब हो सकती है ईपीएफओ के एसएससी की। आपको अपने रीजन में क्या मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी डाल दे, इन केस वो तो केवल लास्ट केस में कहीं होता है डालता है। तो दो चीज आपको ध्यान देना, सेशन कट ऑफ का ध्यान देना, और बाकी टॉपिक्स में अब लास्ट टाइम का जो टिप्स मैं 30 डेज का दूंगा वो आप बस वही पढ़ो, कुछ भी नया ना पढ़ो, है ना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर नया पढ़ने में बच जाओगे तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाओगे, फिर कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। एक सही जो छात्र होता है, जो सिलेक्शन लेने वाला अभ्यर्थी होता है, वो क्या करता है, एक ही चीज को बार बार पढ़ता है, मल्टीपल रिवीजन करता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। आप एक ही चीज को लास्ट तक 10 चीजें लास्ट तक पढ़ते रहोगे फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपने जितना पढ़ लिया है, कोर्स हमने इससे पहले ही कंप्लीट करवा दिया था, कंप्लीट कोर्स, जो बच्चे अभी भी कोर्स से जुड़ना चाहें, मैं तो ये बोलूंगा कि वीडियो देखने का तो समय नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे इंग्लिश के कुछ क्लासेस आप देख लो, कुछ क्लासेस आप किसके देख लो, कंप्यूटर के देख लो, जहां से तुरंत नंबर हो सकते हैं, कुछ क्लासेस आप रीजनिंग के देख लो, मैथ्स में नंबर सिस्टम केवल देख लो, अगर इन पोर्शन को आप देख लेते हो और केवल जो नोट्स दिए गए हैं, किताबें दी गई उनको लगा लेते हो, वो किताबें और कुछ नहीं, वो किताबें ये वाली किताबें हैं जो आपको किसमें कोर्स में दी गई है। उम्मीद है आप लोगों ने इन सारी किताबों को लगा भी लिया होगा, पढ़ लिया होगा। जनरल इंग्लिश का था, इंग्लिश का बुक है, बुक अलग से दिया था, कंप्यूटर का अलग दिया था, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस सारे के सारे हम लोग यहाँ पे अलग दिए हुए थे, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो उम्मीद है कि आपका क्या हो जाएगा, मोर देन सफिशियंट वो रहेगा। तो मेरा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ो मल्टीपल टाइम रिविजन कर लो। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, एक नहीं मल्टीपल कोचिंग्स की लगाओ, आप परीक्षा प्लस की भी लगाओ, आप कुछ टेस्ट बुक की भी लगा लो, कुछ और भी जिसमें आपको ट्रस्ट है उनके से लगा लो। ज्यादा लोग तो अवेलेबल करा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको जहां से मिले वहां से टेस्ट सीरीज लगा लो। आप कोशिश करो कि आपके पास 30 दिन बचे हैं तो कम से कम नहीं तो 30 टेस्ट अगर सॉल्व कर लेते हो, दिन में एक टेस्ट का टारगेट रखो, दिन में एक टेस्ट का टारगेट रखो, लगभग 10 टेस्ट आपको परीक्षा प्लस से अवेलेबल हो पाएगा। जो बच्चे कोर्स से जुड़े थे उनको 5 तो फ्री दे दिया जाएगा, वो 5 कुछ शुल्क जमा करके खरीद सकते हैं, बाकी जो बच्चे एकदम कोर्स से नहीं जुड़े थे वो केवल टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट भी आपको 299 रुपए में परीक्षा प्लस ऐप पे इसकी टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा, कोई बहुत महंगा नहीं है, लगभग 30 रुपए का एक टेस्ट है, बहुत ही क्वालिटेटिव टेस्ट है और पूरा एनटीए के पैटर्न पे, एनटीए का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी, जीएस और रीजनिंग मैथ्स में एनसीईआरटी को फॉलो करती है। इंग्लिश की बात करें और अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो एक जनरल टर्म लेके चलती है, इसलिए वो इजी टू मॉडरेट लेवल लेके चलती है। तो आप एनटीए पे फोकस्ड रहो, और अगर कहीं से आपको क्वेश्चन बैंक, जैसे एनटीए के द्वारा कुछ पेपर हुए, अलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ है उनकी क्वेश्चन बैंक आप कर लो, ठीक है, इग्नू आप हुआ है उनका कर लो, आपका एनवीएस का पेपर हुआ है उनका कर लो, ये जो कई सारे पेपर हुए हैं अगर उनके पीवीएस आप कर लेते हो तो फिर आपको कई सारी क्या मिलेगी, यहाँ पे मदद मिलेगा, ठीक है। अब जो बच्चे कोर्स से जुड़े थे उनके लिए क्या है वो मैं बता दूं, उनके लिए यहाँ पे एक अलग से टाइम टेबल है कि अब आपका प्रैक्टिस बैच आपका चालू किया जाएगा, और उस प्रैक्टिस बैच में आपको क्या दिया जाएगा इसको मैं बता रहा हूं कि सारी की सारी जो क्लासेस है वो आपकी ऐप पे तो लगी हुई है। अब आपका जैसे आपका देखा जाए तो 5 विषय मेन है, कंप्यूटर 10 ही नंबर का है, तो उसको हम इतना मेजर लेके नहीं चलते हैं कि उसके लिए एक अलग से क्लास दें, उसकी कुछ क्लासेस हम आपको आपकी परीक्षा प्लस ऐप पे आपके कोर्स में ही प्रैक्टिस वाली लगवा देंगे, आप उन्हें देख लो अच्छे क्वेश्चन, और बाकी भी गारंटी है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब आपका मंडे से डेली 11 AM और 12 PM, मतलब 11 से 12 और 12 से 1, 2 घंटे की आपकी प्रैक्टिस लगेगी, जिसमें मंडे और ट्यूसडे आपकी मैथ्स की क्लास होगी, आपकी वेडनेसडे और थर्सडे जीएस की क्लास होगी, और फ्राइडे और सैटरडे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। और क्योंकि इंग्लिश 50 नंबर है तो हम कभी आपका कंप्रेहेंशन भी प्रैक्टिस कराएंगे, कभी आपका वोकैब भी प्रैक्टिस कराएंगे, कभी आपका ग्रामर कराएंगे, और ये पूरा का पूरा इंग्लिश जो है ये आपका 6 दिन चलाया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा परेशान है बच्चे, और यही पे आपको सबसे ज्यादा नंबर लाना भी है इसमें, तो आपको इतने में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा 11 से 12, 12 से 1 ये चलेगा। बाकी आप लोग जो क्लासेस आप देख लियो उन्हें जल्दी से रिवाइज करना शुरू कर दो, नोट्स आप सब लोग प्रिंट आउट निकलवा लो, और नोट्स प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप सब लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। मिनिमम डेली का 10 से 11 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, और अगर इतना कर लिए तो बीच में मैं एक स्ट्रेटेजी और लेके आऊंगा जब आपका 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहेगा, बाकी छोटी छोटी बातें आपको वहां पर बताऊंगा, बट आप इतना कर लो। और जो बच्चे अभी भी कोर्स से नोट्स वगैरह, क्योंकि ये नोट्स डेडिकेटेड टू ईपीएफओ एसएससी और स्टेनो का था, स्टेनो में आपको बता दूं ये एसएससी के लिए फोकस है, स्टेनो में क्योंकि ज्यादा पार्ट इंग्लिश का ही है, इसी कारण से ये जो 12 PM की आपकी क्लास चलेगी ये स्टेनो के लिए सबसे ज्यादा मददगार क्लास है, ठीक है, स्टेनो के लिए, वहां पर लिखा भी रहेगा आपको स्टेनो के लिए सबसे ज्यादा
मददगार क्लास है। तो ये आपको करना ही करना है, क्योंकि आपके केवल 100 क्वेश्चन केवल आपका क्या आना है, 100 क्वेश्चन की इंग्लिश ही आनी है। बाकी 30 क्वेश्चन में आपका मैथ्स और क्या है रीजनिंग है, और 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपका क्या है जीएस, और कुछ आपका पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप करो, बाकी टाइपिंग आपका क्या हो जाएगा सेकंड स्टेज में होगा, इसके साथ टाइपिंग नहीं होगी। तैयारी करो अच्छे से, कोई समस्या होती है तो आप मुझसे बताओ कमेंट बॉक्स में, आप जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, या आपकी जो भी डिमांड है मुझे साथ रख सकते हो। बाकी सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग कराई जा रही है। ये क्लास भी मंडे टाइम नोट कर लो, मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेट तो मुझे नहीं पता है कि मंडे क्या है, डेट में भूल जाता हूं अक्सर, 10 या 11 तारीख पड़ेगी। ठीक है, तो मंडे से आपको स्टार्ट हो जाएगी जुलाई में, और प्रैक्टिस क्लास में सभी लोग उम्मीद है कि मिलेंगे, और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।